अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में और नेट बैंकिंग में आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड द अनलॉक, यानी कि आपकी यूजर आईडी ब्लॉक हो चुकी है, तो इस वीडियो को ध्यान से आप समझ लीजिएगा, 100% आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़कर बच जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो अकाउंट का यूजर आईडी है वो ब्लॉक हो चुका है। बहुत समय से आप इसका यूज नहीं करते हैं नेट बैंकिंग का, तो यूजर आईडी आपकी लॉक हो जाती है। तो इसका अनलॉक करने के लिए आपको इसका पासवर्ड पता होना चाहिए, साइन ऑन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो बेसिकली चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है अनलॉक यूजर आईडी, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए अगर आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको रिसेट करना है, तो आप वीडियो बने रहना। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर से पहले आपको 91 लगाना होगा जो कि इंडिया का कंट्री कोड। अब आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन पे एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए OTP आता है, वेट करते हैं। OTP आ चुका है बेसिकली। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। आपको देखिए ट्रांजेक्शन पासवर्ड ये मांगता है क्योंकि इसको अनलॉक करना है आपको। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको नहीं पता है तो आप सिंपली कैंसिल कर दीजिए और फिर से उसी पेज पर आप आ जाइए। और आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखता है सेट पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको फिर से यहाँ पर अपने यूजर आईडी एंटर करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आईडी डालने के बाद आपको फिर से यहाँ पर सेट पासवर्ड एंड फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब तीन ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी लिंक है तो आप ईमेल OTP और मोबाइल OTP से कर सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन आंसर के कुछ आंसर दिए हैं तो उससे कर सकते हो, या फिर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से सिंपल से प्रोसेस है उससे कर सकते हो। तो चलिए डेबिट कार्ड का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर प्लीज़ वेट ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखिए कार्ड के डिटेल, यहाँ पर कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और ATM का जो पिन है वो डालना है। आप चाहे तो ईमेल OTP और मोबाइल OTP से भी कर सकते हो, लेकिन कई सारे लोगों के साथ ईमेल लिंक नहीं होता, इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। सिंपली आपको एक कैप्चा कोड डाल देना है, उसके बाद वैलिडेट का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर साइट आपकी लोड हो रही है तो आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। अब जैसे सिंपली आपका जो पासवर्ड, एक OTP आपके फ़ोन नंबर पर गया है, वो OTP आप एंटर करेंगे, उसके बाद आपका चेंज करने का पासवर्ड आ जाएगा। बेसिकली OTP मैंने एंटर कर दिया, आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए आपके सामने तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको कौन सा पासवर्ड रिसेट करना है। अगर आपको दोनों पासवर्ड रिसेट करने हैं, साइन ऑन और ट्रांजेक्शन, तो आप जो है यहाँ पर सेकंड नंबर पर टिक करेंगे। खाली आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड रिसेट करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। तो बेसिकली दोनों पासवर्ड हम भूल चुके हैं तो इस पर क्लिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको पासवर्ड 8 अंकों का रखना है और इसमें एक कैपिटल और एक आपको एक यूनिक कोड जो रहता है वो स्टार है जो भी है आपको लगाना है आपके हिसाब से लगा सकते हो। पहला अक्षर आपको कैपिटल में लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ये साइन ऑन पासवर्ड लिखना है और दोबारा आपको यहाँ पर साइन ऑन पासवर्ड लिखना है। और यहाँ पर नीचे ट्रांजेक्शन पासवर्ड लिखना है, दोबारा आपको नीचे ट्रांजेक्शन पासवर्ड लिखना है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड और साइन ऑन पासवर्ड आपको अलग अलग बनाना होगा, उसके बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ गया है कि दिस पासवर्ड इज चेंज। अब आपको सिंपली लॉगिन पेज पे जाना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पे। अब पासवर्ड चेंज होने के बाद आपको अपना यूजर आईडी अनलॉक करना है। आप सिंपली चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है योर अकाउंट इज लॉक्ड, अब हमको क्या करना है, अनलॉक करना है यूजर आईडी। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है अनलॉक यूजर आईडी, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर से पहले आपको 91 लगाना होगा, उसके बाद फ़ोन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर OTP इंटर करना है। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपका जो यूजर आईडी है वो अनलॉक हो जाएगा। तो इस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोज़।